नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजय एकेडमी। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव से संबंधित एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्नलिखित में से एक के अनुसार होता है। ए दिया है, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। बी, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। सी, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। डी, वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है डी, वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला, दूसरा, अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी गतिक, डी स्थिर। इसका सही उत्तर है ए प्राथमिक। इसके बाद अगला, थर्ड, बालक का विकास परिणाम है। ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। इसका सही उत्तर है सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट, फोर्थ, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी गौण, सी गत्यात्मक, डी स्थिर। इसका सही है उत्तर है बी गौण। इसका नेक्स्ट, फिफ्थ दिया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। ए सामाजिक विकास वातावरण, बी संवेगात्मक विकास परिपक्वता, सी शारीरिक विकास वातावरण, डी संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता। इसका सही उत्तर है ए सामाजिक विकास वातावरण। इसका नेक्स्ट जानते हैं। सिक्स्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। ए दिया है आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। इसका सही उत्तर जानते हैं, यह ए आंखों का रंग। इसके बाद नेक्स्ट, सातवां, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए दिया है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता और डी दिया है शारीरिक गठन। इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है डी शारीरिक गठन। इसके बाद नेक्स्ट, आठवां दिया है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, ऑप्शन दिए हैं ए नाममात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है बी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर दिया है, मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ए दिया है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि अनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बी दिया है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित। सी दिया है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और डी दिया है भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं।
इसका सही उत्तर है सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका प्रश्न ये दिया है, इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं दसवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए दिया है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बी दिया है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी दिया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और डी दिया है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट ग्यारहवा दिया है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ए दिया है क्षेत्र, बी मौसम, सी वातावरण और डी जलवायु। इसका सही उत्तर है सी वातावरण। इसका नेक्स्ट बारवा दिया है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए दिया है वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। बी यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सी यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। डी इसमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है डी, इसमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मानसिक मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती है। इसका नेक्स्ट जानते हैं तेरहवा दिया है, मेंडल के प्रयोगों से संबंधित निष्कर्ष हैं। ए दिया है बच्चे अपने माता पिता से एक एक गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। बी दिया है मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। सी दिया है ए एवं बी दोनों और डी तत्परता के नियम से। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों अर्थात ए बच्चे अपने माता पिता से एक एक गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और बी दिया है मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। इसका नेक्स्ट 14th, वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं ए बी एस झा का, बी स्किनर का, डी सी दिया है डगल्स का और डी दिया है एम एल मन का। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं हम, इसका सही उत्तर है ए बी एस झा का। इसका नेक्स्ट 15वां दिया है, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है। ए दिया है सभी प्राणियों में नहीं होती। बी समस्त प्राणियों में जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। सी पशुओं में पाई जाती है और डी विद्वानों में पाई जाती है। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं हम, इसका सही उत्तर है बी समस्त प्राणियों में जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। इसका नेक्स्ट 16वां दिया है, मानव विकास का प्रमुख संबंध है। ए दिया है जैविक एवं सामाजिक घटकों से, बी सामाजिक घटकों से, सी आर्थिक घटकों से और डी दिया है राजनीतिक घटकों से। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ए जैविक एवं सामाजिक घटकों से। इसका नेक्स्ट 17वां दिया, एक माता पिता की पृथक पृथक रंगों की संतान उत्पन्न होती है। इसके चार विकल्प दिए हैं, ए दिया है रक्त समूह के कारण, बी मौसम के कारण, सी वंशानुक्रम के कारण और डी दिया है जीव कोश के कारण। इसका सही उत्तर है डी
जीव कोष के कारण। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है 18वां, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रम का अनुकरण करती है। ए दिया है पूर्ण सही, बी कुछ सही, डी कुछ गलत और डी पूर्ण गलत। इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है ए पूर्ण सही। इसके बाद नेक्स्ट 19वां, 19वां दिया है बालक की मूल शक्तियों का संबंध है। ए वातावरण से, बी आर्थिक स्थिति से, सी सामाजिक स्थिति से और डी वंशानुक्रम से। इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर है डी वंशानुक्रम से। इसका नेक्स्ट 20वां, ये इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यू है 20वां। वंश पर बुद्धि के प्रभाव को देखने के लिए किसने सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है गोडार्ड ने, बी स्किनर ने, सी सेल्टन ने और डी दिया है न्यूमैन ने। इसका सही उत्तर होना चाहिए, जानते हैं, ए गोडार्ड ने। इसी के साथ इस पार्ट का हम अंत करते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।